हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। अच्छा, मेरे पास कुछ लोग क्वेश्चन ऐसे कर देते हैं जिनके मेरे पास आंसर ही नहीं है। वो बेबुनियाद से क्वेश्चन हैं थोड़े, और कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन करते हैं। आप रिलेटेड टू गेम, किसी भी गेम के रिलेटेड आप मेरे से पूछ सकते हैं। वो एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने इंस्टा पे डाला है, तो उसको आप एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन करके नीचे कुछ और ही पूछ लेते हो, तो वो चीज़ गलत है। ओके, तो मेरे पास कम से कम भी 100 से 150 मैसेज एक है कि जॉब कैसे मिले स्पोर्ट्स से, राइट? ये बहुत बड़ा टॉपिक है, स्पोर्ट्स से जॉब कैसे मिले। तो स्पोर्ट्स से जॉब अगर आपको लेनी है तो देखो, एटलीस्ट अगर आपको किसी उसके पास जाना है, आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, और इसके अलावा ये डिपार्टमेंट है जो 5 मैंने बोले हैं। अगर आप नेशनल मेडलिस्ट हैं, सीनियर नेशनल और जूनियर नेशनल भी, कुछ अच्छे टाइमिंग हो, अच्छी थ्रो हो या अच्छी कुछ अचीवमेंट हो, तो आपको डायरेक्ट एक अच्छे रैंक के साथ वो आप ज्वाइन करवा देते हैं। ओ हाँ, स्पोर्ट्स कोटे में काफ़ी शॉर्टेज मिलती है हमें। लाइक अगर आपकी हाइट कम है तो थोड़ा चल जाएगा, अगर आपका वेट ज़्यादा है, थ्रोअर है, वेट ज़्यादा है, तो वो भी चल जाएगा। तो ये चीज़ें मैंने बताई हैं कि नेशनल लेवल के बाद आपको एक ठीक रैंक के ऊपर, ठीक रैंक में जो बोल रहा हूँ वो रैंक है कांस्टेबल, हवलदार। अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग बोला जाता है, जैसे उसमें नेवी के अंदर सार्जेंट हो गया, राइट, और एयरफोर्स के अंदर भी सार्जेंट होता है। तो वो चीज़ है कि किसी को उसको नाम बदल देते हैं, बट वो कांस्टेबल रैंक से रखते हैं, राइट। वो एक बहुत अच्छा रैंक है। अगर मैं वैसे बोलूँ तो 3 रैंक नीचे से ऊपर है, ज्वाइनिंग जो सिपाही नॉर्मल जीडी भरती होते हैं उनसे 3-4 रैंक ऊपर है, तो ये बहुत अच्छा रैंक है। उसके बाद अगर आप इंटरनेशनल एथलीट हैं और आपका एशिया के अंदर एशियन चैम्पियनशिप, एशियन ग्रैंड प्रिक्स, एशियन गेम्स, इन तीनों के अंदर मेडल है, तो आप डायरेक्ट 1 स्टार से ज्वाइनिंग कर सकते हैं। लाइक आर्मी में बोल लेते हैं नायब सूबेदार, नेवी में मेरा ख्याल सीओपीटी शायद ऐसे होता है उनका, और अलग अलग जगह पे अलग अलग अहदे होते हैं, जैसे बीएसएफ में एएसआई हो गया, राइट, सीआईएसएफ में भी एएसआई है, सीआरपीएफ में भी एएसआई, ये पुलिस जितने डिपार्टमेंट है, तो इनमें एक रैंक हो जाता है इफ यू आर इंटरनेशनल एथलीट। इंटरनेशनल मीन्स मेडलिस्ट, अगर आप वो हैं तो आपको ज्वाइनिंग डायरेक्ट उससे मिल जाएगी। ओके, ये मैंने 2 बता दिए हैं आपको। एटलीस्ट अगर आपको आपका नेशनल में मेडल भी नहीं है, आप इंटरनेशनल भी नहीं है, आप एक स्टेट लेवल के एथलीट हैं, स्टेट लेवल मींस स्टेट में मेडल है, ठीक है, और अच्छा टाइमिंग है, नेशनल लेवल के बराबर है लगभग, तो भी आपको मतलब वो ज्वाइन करवा देते हैं, ज्वाइनिंग में छूट भी मिलेगी आपको। तो डायरेक्ट सिपाही इसमें लगोगे आप, अगर इफ यू आर स्टेट मेडलिस्ट एथलीट। इफ यू आर नेशनल एथलीट तो कांस्टेबल से डायरेक्ट लग जाओगे, इफ यू आर इंटरनेशनल एथलीट तो और ज्यादा अच्छा एथलीट, 1 स्टार से लग जाओगे, राइट। तो कोशिश करो कि आप अच्छे एथलीट बनो, और अगर आप इन सब में कुछ भी नहीं हो, आप एथलीट ही नहीं हो, तो आपको नॉर्मल सारी उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है, लाइक 1600 मीटर, उसके बाद आपका बीम होते हैं, उसके बाद फिजिकल टेस्ट जो भी होता है, देन मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद रिटर्न होता है, ठीक है। रिटर्न के बाद आपको आरसी दी जाती है कि आप ज्वाइन हो चुके हैं, आपका आरसी नंबर ये है, आप ज्वाइन हो चुके हैं, आपको इस सेंटर में भेजा जाता है, जहाँ आप पुलिस में हैं तो पुलिस में भी सेम है, पुलिस में इफ यू आर इंटरनेशनल एथलीट एएसआई, पुलिस में तो और ज़्यादा अच्छा है। अगर आप एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेते हैं तो बहुत सारे स्टेट्स ऐसी हैं जो डीएसपी डायरेक्ट करती हैं ज्वाइनिंग, एशियन गेम्स मेडलिस्ट को डीएसपी डायरेक्ट ज्वाइनिंग है, जैसे अभी हिमा दास को उन्होंने डीएसपी रैंक दिया है, बहुत सारे पंजाब में एथलीट हैं उनको डीएसपी रैंक से वो किया गया है,
तो अगर आप इंटरनेशनल एथलीट हैं एशियन गेम्स के, कॉमनवेल्थ गेम्स के, तो या एशियन चैंपियनशिप के, एशियन चैंपियनशिप को आप एएसआई सब इंस्पेक्टर रखते हैं, बट एशियन गेम्स की वैल्यू है, गेम्स की हमेशा वैल्यू होती है, जबकि चैंपियनशिप और गेम्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर मैं बोलूं ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो मेरा ख्याल है कि ओलंपिक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स जो मतलब सपोज रिकॉर्ड मीट रिकॉर्ड हैं या गेम्स रिकॉर्ड हैं या चैंपियनशिप रिकॉर्ड हैं, वो एशिया वर्ल्ड लेवल के ज़्यादा मिलेंगे, वर्ल्ड चैंपियनशिप के ऊंचे रिकॉर्ड मिलेंगे ओलंपिक से भी। कॉमनवेल्थ गेम्स के रिकॉर्ड उतने हैं, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप तो खैर बॉक्सिंग या इनकी होती है लिफ्टर्स की, तो उसका मेरे को आइडिया नहीं है। एशियन गेम और एशियन चैंपियनशिप सेम, लगभग सेम रिकॉर्ड है, वही एथलीट एशियन गेम्स में आते हैं, वही एथलीट एशियन चैंपियनशिप में जाते हैं। तो ये था आपको बताने का तरीका कि अगर आपको ज्वाइनिंग करनी है किसी भी डिपार्टमेंट में, बहुत सारे डिपार्टमेंट अच्छे हैं, कोई भी बुरा नहीं है, आज के ज़माने में जॉब नहीं मिल रही, तो आप कोशिश करें, आप अच्छी चीज़ को फोकस करें और अच्छी चीज़ के ऊपर काम करें, टेक्निक के ऊपर, डाइट के ऊपर, वर्कआउट, आप अपनी इंजरी को रिकवर करें जल्दी, इंजरी आने मत, कोशिश करें, अगर आ गई है नो प्रॉब्लम, डरो मत कि मेरे इंजरी हो गई है, उसकी अच्छे से प्रॉपर रिहैबिलिटेशन करो, देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप जल्दी रिकवर करके एक अच्छा टारगेट कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये थी जो आपका क्वेश्चन था कि जॉब कैसे मिले, ये मैंने आपको बता दिया है कि स्टेट लेवल वाले हो या नेशनल लेवल के हो या इंटरनेशनल लेवल के, क्योंकि तीन ही लेवल माने जाते हैं, तो इन तीनों लेवल से आपको अलग अलग रैंक से लिया जाता है। ओके ठीक है, तो मेरी तरफ से गुड लक सभी को, सभी अच्छा करें और अच्छी अच्छी जॉब लें। थैंक यू।